त्योहारी सीजन में महंगाई के मार से आम आदमी परेशान हो रहा है और अब जब दिवाली बीत गई है तब भी मंडियों में सब्जियों के दामों में कोई खास राहत नहीं मिली है। रीवा की सब्जी मंडी में पहली बार लहसुन 400 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, प्याज का दाम 80 रुपए तो वहीं परवल 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आम आदमी इंतजार कर रहा है कि कब महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। सब्जी मंडी में ग्राहकों और दुकानदारों से बातचीत की हमारे संवाददाता जावेद अंसारी ने। मैं इस समय एक बार फिर से रीवा की सब्जी मंडी में मौजूद हूं। यहां पर ढेर सारे ग्राहक हैं। दीपावली का समय बीता, इसका मतलब महंगाई वाला कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया। पहले सब्जियों के रेट जानता हूं, उसके बाद यहां के ग्राहकों से बात करूंगा। भैया सब्जियों के रेट जरा बताइए। कौन से सब्जी का रेट बताएं सर? आलू, प्याज, लहसुन। लाई वाली 70 रुपए किलो आलू है, पुरान वाली 35 का है, लाल वाली 40 का है। लहसुन 70 रुपए पाव है। लहसुन 100 रुपए पाव है। कुछ ग्राहक भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें क्या क्या खरीद रहे हैं? मैं अदरक ले रहा हूँ, मिर्ची, लौकी ले रहा हूँ। लहसुन नहीं, क्यों? 400 रुपए किलो कौन लेगा? 400 रुपए किलो है, क्यों लेगा? क्या खरीद रही हो बेटा, जरा इधर बताओ, क्या खरीद रही हो? टमाटर 1 किलो और प्याज 1 पाव। क्या भाव? 1 पाव प्याज। हाँ। क्या भाव है? 20 रुपए पाव। इसका मतलब 80 रुपए किलो। और लहसुन क्यों? लहसुन नहीं, बहुत महंगी है। लहसुन बहुत महंगी है। ये सबके झोले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे मजेदार बात, इन झोलों में लहसुन नजर नहीं आ रही, प्याज नजर नहीं आ रही। क्या खरीद डाला? आलू, टमाटर, बैंगन, अदरक। लहसुन प्याज लहसुन तो है नहीं, प्याज घर पे है। लहसुन क्यों नहीं खरीदा? लहसुन बहुत महंगा है बस। हाँ बेटा बताओ क्या खरीदा? आलू, टमाटर, बैंगन, करेला। लहसुन प्याज आलू क्या रेट मिला? 50 का 2 किलो। लहसुन क्यों नहीं खरीदा? लहसुन क्योंकि महंगी है, इसलिए नहीं खरीदे, पैसा नहीं था। लहसुन 80 रुपये, प्याज 80 रुपये किलो, लहसुन 100 रुपये पाव, इसका मतलब 400 रुपये किलो। तमाम यहाँ जितने भी ग्राहक मौजूद हैं सबका कहना है लहसुन आज नहीं, आज बगैर लहसुन के काम चल जाएगा, क्योंकि लहसुन ज़्यादा महंगा। मैं आपको कुछ अन्य दुकानों में भी ले चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पर किस तरीके का हाल है। मैं एक दूसरी दुकान में आ गया हूँ। दुकान में ग्राहक लगभग ना के बराबर हैं, दुकानदार खाली बैठे हैं। इनसे ज़रा समझ लेता हूँ कि इस समय दीपावली के बाद कौन सी सब्जी ज़्यादा बिक रही, कौन सी नहीं बिक रही है। आलू, टमाटर बेचा था भाई, और प्याज उआज, परवल और गोभी महंगी इतनी। क्या भाव? जरा परवल का रेट बताइए। 120 रुपये किलो। और अदरक? अदरक 150 रुपये किलो। खीरा? 80 रुपये किलो। लहसुन प्याज? 400 रुपये लहसुन ही, 80 रुपये प्याज। करेला? 70 रुपये किलो। करेला 70 रुपये किलो, खीरा 100 रुपये किलो। तमाम सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बताइए सब्जियों के दाम क्या कह रहे हैं? जैसे कि पहले हमारे लहसुन का ही दाम 30 रुपये, 40 रुपये, इवन 50 रुपये किलो मिल जाता था। अभी ये है कि लहसुन 100 रुपये पाव जा रहा है। एक नॉर्मल इंसान खरीदने से, जैसे हम ही लोग हैं भाई, पढ़ने लिखने आते हैं, आदमी 100 रुपये पाव कहाँ से खरीद पाएगा। एक नॉर्मल जैसे खीरा का भाव ले ले, 80 रुपये, 100 रुपये किलो जा रहा है। जबकि हम जब स्टार्टिंग में आए थे यहाँ पे 2-3 साल पहले, तो 10 रुपये, 15 रुपये किलो आराम से मिल जाता था। आलू हो गया, आलू अभी 30 रुपये, 40 रुपये मिल रहा है, 15 रुपये, 10 रुपये आराम से मिल जाता था। तो बहुत महंगाई हो गई है, इवन 2-3-4 साल में बहुत ज़्यादा। क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? मैं ही रह के कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। कंपटीशन की तैयारी करता हूँ, घर में खाना बनाता हूँ, महंगाई बेहद ज़्यादा है, बड़े मुश्किल से काम चल रहा है। बताइए। और कांदा लेने आए थे, लेकिन महंगा है बहुत तेज, प्याज लेने आए थे, महंगा है तो इसलिए नहीं खरीदे। तो अब कैसे काम बनेगा? काम बनेगा क्या, इतनी महंगाई है, कौन खाएगा सब्जी? सब्जी तो खरीदनी पड़ेगी, घर तो ले जाना पड़ेगा। हाँ तो खरीदना तो पड़ेगा सर, अभी इतनी महंगी, दूसरा कुछ लेंगे, बटाटा लेंगे, आलू लेंगे और प्याज लेंगे, ये दोनों से काम चलेगा, क्या करें। कुछ और सब्जी खरीदूंगा जो सब्जी सस्ती होगी। ग्राहकों का कहना है जो सब्जियां महंगी हैं फिलहाल अभी उनको हमें खरीदने का कोई भी इरादा नहीं है। मैं आपको कुछ और दुकानों में भी लेकर चलता हूँ।
हमारे साथ एक और ग्राहक हैं, क्या खरीद रहे हैं? प्याज ले रहे हैं सर और लहसुन। क्या रेट है लहसुन, क्या रेट है प्याज? 70 रुपये है प्याज और 100 रुपये है लहसुन। तो सब्जी तो सस्ती है, बहुत महंगी तो दिखाई नहीं दे रही। अब मजबूरी है सर, बच्चों को पालना है, अपना तो कैसे भी चल जाएगा लेकिन बच्चे तो खाएंगे किसी तरीके से। बच्चे तो खाएंगे ही, मजबूरी है, घर से कहा गया है लहसुन और प्याज लेके आना। कितना लहसुन कितनी प्याज? हो गया है 1 पाव लहसुन 2 किलो प्याज। अभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले जाना है, लेकिन लेके जरूर जाना है क्योंकि उसके बगैर सब्जी बन ही नहीं सकती, ना लहसुन ना प्याज के बगैर सब्जी बन नहीं सकती, इन दोनों चीज़ों को लेकर जाना। लेकिन महंगाई काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर बात की जाए रीवा की, तो रीवा के इतिहास में कभी भी 400 रुपये किलो कोई भी सब्जी नहीं बिकी, लेकिन लहसुन इस समय 400 रुपये किलो बिक रहा है। NDTV के लिए मैं जावेद अंसारी।